लुटेरे पिछे लग जाते हैं, परस खोंदे ने, कुड़ी डिगदी है तो दी मौत हो जाती है। बहुत शर्मनाक घटना। वो नाल जो बंदा आया अतुल कुमार वो बयान से केस से डिस्टर्ब होता उ गल पुलिस रड़ी रटाई भी अभी जाँच कर रहे हैं बंदे फटे फड़ लवेंगे भी जेडे असी लोगों चुन के भेजते हैं। देखो 543 लोग हैं, इन्नी वड्डी आबादी 140 करोड़ हो गए हूँ तो भी वाकई ये साढ़े सवाल उत्थे पुछते हैं। अभी अपनी समस्यावां च दसण वास्ते पार्लीमेंट भेजा भी साढ़िया समस्या हल कराओ, वो पैसे लैके सवाल पुछते भगवंत मान उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब जिहड़े उन्होंने कल 16 खड्डां जिहड़ियां खोलतीआं ते इह कहता है 5.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट जिहड़ी है उह रेत मिलेगी जी। चलो उपराला चंगा, इन्हां कहा वी अगले महीने 50 साइटां ही होर भी खोलांगे ते जिहड़ी जिन्नीआं खड्डां दी हैगी आ जगह सीसीटी दी निगरानी च रहूगी। बड़ा वधिया काम आ सरकार दा, जे रेत सस्ती मिलती है तुसीं देखो ना सुप्रीम कोर्ट दे विच ते सेंटर गवर्नमेंट दे विच वी इस वेले खिचतान चल रही है कोलेजियम नूं लैके। सुप्रीम कोर्ट कहिंदे तुहानूं हद्दां नहीं लंघन देणियां, किरण रिजिजू कहिंदे जनता ही मालिक है। बड़ा रिसा आम लोग ते इंसाफ मंगदे मंगदे मरी जांदे, कई ते कई नौकरियां जो रिटायर हो जांदे आ। एक MLA साहब दे भतीजे दी बड़ी बल्ले बल्ले होण डई है, उहदा ते MLA कहिंदे वी साडी गल नहीं सुणदा, पर इत्थे ते एक SMO साहब आ जिन्हां ने ते MLA दे भतीजे साहब दा ही फोन आंदा ते फटाफट आदेश मान के ते आए कहिंदे वी एक्शन वी लै लिया। उहदे ते MLA साहब दा वी जवाब आ गया, आंदे मेरा ते भतीजा ही कोई नहीं हैगा, ना मेरा कोई भरा ना मेरा कोई भतीजा, आंदे मैं ते अधिकारियां नूं कहा आ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ PA ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਨਫਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੋ, MLA ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D4U ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, G20 ਸੁਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ दला सत्ता कारोबारियां नशा तस्करां ते भ्रष्टाचारियां दा पंजाब बनता जा रहा है। किस तरह देखो कोई बाहरों सैलानी आता है ते लुटेरे उदा परस खोंदे है ते ओ कुड़ी उदी मौत हो जाती है, ते इस तरह कौन सैलानी साडे कोल इत्थे आएगा, इत्थे सोचण दी लोड़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कदम ते चुकिया वादे पूरे करन वास्ते, पर सब तो पहला लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं, सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, लोग डरे हुए महसूस कर रहे हैं। सारे एक्सपर्ट राकेश शर्मा, शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भंडारी साहब। शर्मा जी देखो सिक्किम की कुड़ी कितने आसाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पढ़ती है, लॉ दी स्टूडेंट है, अपने एक दोस्त के नाल आती है भी चलो श्री हरिमंदर साहब मत्था टेक आईए, कोई रीट्रीट सैरामनी बाघा बहुत मशहूर है, किस तरह जवान लत्तां चुक चुक के जज्बा दिखाते देश का, रीट्रीट सैरामनी देख के वापस आ रही होंगी है, लुटेरे पिछे लग जाते हैं, परस खोंदे ने, कुड़ी डिगदी है तो दी मौत हो जाती है। भंडारी साहब बड़ी शर्मनाक घटना, तो सारे पंजाबियों का सिर तो खास करके गुरु नगरी के लोगों का सिर शर्मनाक झुक गया। एक बन्ने ते सरकार अमृतसर नूं टूरिस्ट हब बनाने वाल तुरी आ, होटलों का कारोबार बहुत वधिया चल रहा इत्थे, क्यों इत्थे साडे श्री हरिमंदर साहब जी, श्री गुरियाणा तीर्थ, जलियांवाला बाग, श्री राम तीर्थ ते अटारी बार्डर, ये चीज़ां वेखण वास्ते लोग बड़ी बड़ी दूरों सारे मुल्क दे लोग कि विदेशां दे लोग भी आंदे जी, ते बड़े लोगों का व्यापार इस काम नाल जुड़िया, पर कुछ लोग जिहड़े आ ला एंड आर्डर की सिचुएशन माड़ी होण दा फायदा उठा के ते लोगों नूं अफवाह करदे आ, जिहदे नाल लोगों च सैलानियों डर का माहौल पैदा हो गया जी जी। ये जी घटना हैगी आ, ये कुड़ी का ना ही गंगा मैया, ये गंगटोक की रहन वाली जी जी सिक्किम के जी 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 दिल्ली की दसिया पढ़ती ही, अपने एक दोस्त यूपी का हितुल नाल बार्डर वेखन जाती है, टैंपो च जाती है, बार्डर वेख के जो 4-5 मिनट की दूरी से वापसी तो होर ही सवारियां बैठी होंगे टैंपो से, नहीं भी कल दुए ही होर ही सवारियां बैठी होंगे, तो उन्होंने कोलों दो लटेरे स्नैचर आते हैं मोटरसाइकिल उत्ते, वह परस खोल लेंगे, जिद परस ना डिगन और डिग पी सड़क के उत्ते, परसों ने बाज पाया होता हाँ, डिग पी थे हैड इंजरी होंगी, उन्होंने अस्पताल खड़ दे, घंटे चौदह मौत हो जाती है। बहुत शर्मनाक घटना। वो नाल जो बंदा आया हूँ अतुल कुमार वो बयान से केस से रजिस्टर्ड होता उ गल पुलिस रड़ी रटाई भी अभी जाँच कर रहे हैं बंदे फटे फड़ लवेंगे। अच्छा के जी इतने बड़ा वाला सवाल है, देखो पुलिस का हमेशा ही आता जी बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, मैं पढ़ रहा सी अफसर का उत्ते, पर मामला तुसी देखो धारा कि लाई वो उत्ते इन्होंने 304 ते 379 की, ये तो 302 कतल का मामला दर्ज होना चाहिए, तो पंजाब सरकार आप पार्टी बनना चाहिए,
देखो सिक्किम तो राकेश जी कि परिवार इतने केस लड़न आऊगा साड़ी अदालतों की प्रक्रिया कि तो लुकी है पांच करोड़ के करीब केस लोग धक्के खाते पे ने अजे तक कोई सुनाई नहीं होंगी वह परिवार वह भरा भी कल आया वो लड़की का उन्होंने गलबात भी होंगी कहते सानू तो पता कुछ नहीं है की करेंगे उन्होंने कहना भी दोषियों से कार्रवाई होनी चाहिए पहली घटना नहीं राकेश जी सबक नहीं लेंगे छे महीनों मेरा ख्याल 40-45 लुटा इस तरह 38-100 जनानियां नहीं हो गई 7 महीनों 38 जनानियां को स्नैचिंग की घटना हुई है तो 66 लुटेरिया के केस दर्ज हो जून 2022 तो लैके 31 जनवरी 2023 तक 107 जी लुट दी घटना हुई ये 44 लुटेरिया के खिलाफ केस दर्ज हो 69 बंदियों को खोवाई 38 महिला मंगवाई राकेश जी देखो ना फिर असं कहने भी साला यूथ उधर भज रहा लोग कर दड़े सट्टे कारोबारी इतने फरौतियां सुखबीर बादल आए थे सवेरे कहते भी ये कहते भी हब बनानी है तुम्हें बदलाव का दिता बदलाव के नाते लोगों ने वोट दिता उद्योगपति तो फरौतियां दे के अपनी जाना बचा डे ने तो किस तरह हर रोज़ नशा तस्कर कि बहुत सारे असं यही कहते कई सरकारी जो कर्मचारी वह भी इनवॉल्व ने भी पैसे सबनों चाहिए ने तो जे इस तरह ही सिर्फ अमृतसर राकेश जी इंडस्ट्री तो पहले ही खत्म हो गई जिम्मे पहले दसिया भी सिर्फ तो सिर्फ पर्यटन का सैलानियों का कारोबार रह गया है तो जे वह भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा राकेश जी भी 100 करोड़ तो वध जो पैसा सैलानी खर्च करते हैं जो इतने आते हैं देखो उन्हें होटल च भी रहना है उन्हें किसी रिक्शे वाले उन्हें रोटी भी खानी है उन्हें किसी आटो वाले किसी बस वाले पैसा भी बटाना किसी कार वाले का भी चलना मतलब एक सैलानी के नाल टैक्सी कारोबार होटल कारोबार लेबर का कारोबार रेस्टोरेंटा का कारोबार व्यापारियों का कारोबार जो चीजा भी खरीद के खड़ता सारे जुड़िया तो बेड़ा गिर घोड़ू हूँ वेखो 2018 तो लैके हूं तक 4 स्नैचिंग घटना 4 औरतों की 3 औरतों की मौत हो चुकी चौथी भी होगी ना जी हाँ जून 2018 च पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर एक जनानी को स्नैचिंग होंगी तो परमजीत कौर ना की औरत मर जाती है अप्रैल 2021 इदा ही काटो जी युवती जानती उस स्नैचिंग होंगी है वह भी डिग डिग पी भी मर जाती है 31 मई 2021 एक जनानी गुजरात की मीनाक्षी लेडी जा रही ही आटो के एयरपोर्ट में वो कोई स्नैचर का मोबाइल फोन लगते मोबाइल भी जाती वो भी डिगदी वो मौत हो जाती है चौथी घटना यह हो गई जी अभी याद होना एक लड़की लेडी को मोबाइल खोल दे स्कूटी तो इन्हों का पिछा करती है फिर किस तरह जख्मी होंगी है वह इलाज कराना पैदा हॉस्पिटल बेचारी पैसे नहीं होंगे इलाज कराने वास्ते सरकार गलां तो बहुत कर दी भंडारी साहब तो दिन दिहाड़े स्नैचिंग हो जितों तीन बार्डर तुरो छियाटे छड के टारी तक तुम कोई नाका ही नहीं मिलेगा कि इन्होंने दावे सुन लवो भी जो हजार लोग बार्डर से वेखन जाते उन्होंने सिक्योरिटी किन्हें प्रोवाइड करनी है मैं राकेश जी ये सोच रहा भी अगले महीने मान साहब G20 सुमिट आ रही है इस महीने उन्होंने पंजाब उद्योगपतियों आमंत्रित किया आओ इतने लगाओ तो भी तुम की माहौल दसना चाहते हो बड़ी बड़ी सुर्खियां अखबारों च पढ़ते हैं भी इतने कोई सुरक्षा ही नहीं लोग सब तो पहले तो सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं वो कहें भी साड़ी जान माल सुरक्षित है साढ़े जेडे बच्चे सुरक्षित है इतने कोई गैंगस्टर कदों दड़ा सट्टा कारोबारियों कि सुरक्षण है सारा लीडर का पुलिस का सुरक्षण है इन्हों पता नहीं लगता गलत काम कितों नशा तस्करों को कि सारा कुछ पुलिस को पता पुलिस की मर्जी तो बगैर कोई काम नहीं हो सकता और कुछ पुलिस को पता थी पिछले एक वेख्या ही एक ASI जिसे बच्चे दे इल्जाम लगा भी उन्हें गोली मारी आ कि वड्डे अधिकारियों का इल्जाम ला रहा ना लै लैके जी आ कह रहा भी उन्होंने तस्करी कराई है भी उन्होंने तस्करी कराई है सारी वो दसन दिया भी कि 10 किलो हीरोइन वाला बंदा फड़िया छड़ता अब पैसे आम आडियो सुन के केस रजिस्टर कर सकते हैं वो तो इन्हों का अपना मुलाजम वीडियो के मोड़ है शरेआम उसको पुछो कि अफसर ने छी आरेआम सारे गवर्नर साहब ने DGP गौरव यादव तो चीफ सैकटरी की मौजूदगी कहा भी पंजाब नशे ने बर्बादी करती है पुलिस वाले भी ये शामिल है मतलब ये सारिया घटनावान लोगों तो हूँ सोचने से मजबूर हो गए हैं भी असी अपने लीडर चुनिया कहदे वास्ते मैं भी सुन रहा सीगा भी ये टैंपररी लोग आ असल जड़े सपोले बैठे ने ना ने जेडे दीमक वांगू देश नू खा रहे ने जिन्हों पता है किड़िया जमीन पर कब्जा करना कि जमीन दूजिया शाम लाटी ने कि जमीन दूसरिया किड़ी NRI बंदा भी सारा इन्हों पता ये अफसर ने जोड़े जिमें 125 प्लाट किनू दिते गए 25 करोड़ वाले अजे तक सार्वजनिक नहीं होया हाँ जे दुबई च नो क्राइम हो सकता है जे दुबई वाले सख्त कानून बना सकते हैं जापान वाले अपने पर्यटकों को लैके सख्त कानून बना सकते हैं होर भी ऐसे कई देश ने तो साढ़े देश में की होया इन्हों को कौड़ पिया जे साढ़े उत्थे बैठे ने पार्लीमेंटा के वड्डिया तनखावां लेंदे ने इन्हों जिन्हों चुने
पिछे एक स्टेग होया ही बहुत पुरानी गल जिन्हां नूं असीं अपने समस्यावां दसण वास्ते पार्लीमेंट च भेजिया भी साडियां समस्या हल कराओ वो पैसे लैके सवाल पुछदे चुन के भेजते हैं। देखो 543 लोग हैं, इन्नी वड्डी आबादी 140 करोड़ हो गए हूं भी वाकई साडे सवाल उत्थे पुछदे ने। जो उन्होंने जा पुछा सवाल पुछोगे साला पहले तो कोई मनिया नहीं, फिर मनिया तो पैसे लैन वास्ते मनिया। हुण एक सर्वे हो रहा है भी देश के दे कई संसद ने उन्हां दी संपत्तियां कई गुणा वध गईआं। तो वैसे पंजाब लई तो मान की गल है भी सब तो जिहदी ज़्यादा संपत्ति वधी है ना वह बीबा हरसिमरत कौर बादल है। एक रिपोर्ट है वो सामने आई भी 261% उन्हां दी प्रॉपर्टी वधी है। वो एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, नैशनल इलैक्शन वॉच जी है, उन्होंने 71 जे सांसद उन्होंने रिपोर्ट एक जारी की है भी किस तरह पहले जो बीबा हरसिमरत कौर बादल 2009 च लड़ते हैं उन्होंने प्रॉपर्टी करीब करीब 61 करोड़ होंदी है। जी हूँ उन्होंने प्रॉपर्टी 2019 उन्होंने दस्या है वो करीब करीब 218 करोड़ हो गई है। रवनीत बिट्टू साहब की भी प्रॉपर्टी वधी है। एक साढ़े हरियाणा ने MP ने उन्होंने प्रॉपर्टी 35 करोड़ का इजाफा होया। लोग तो गरीब होंगे गए, करोना च मैं वेख्या भी एक जेडे मित्र ने वो तो बहुत अमीर हो गए, लोगों का कारोबार चल गया। भंडारी साहब लोग गरीब, देश गरीब, प्रदेश गरीब, सूबा गरीब, लीडर अमीर, अफसर भी अमीर। साडा राति हूँ वेखो ना भी ये तो लोगों की विश्वास ही नहीं बहाल कर सके। 1951 जो पहला इलैक्शन होया 17.32 करोड़ लोगों ने वोट पाई ही। 17 करोड़ 32 लख ने ते ओन होगी 54 करोड़ ते 50 लाख मतलब मतदाता हो गए जी। ते ती वेख लो भी 1 जनवरी 2023 तक 94 करोड़ 50 लाख ते मतदान जिहड़ा वधिया 45.67% ते 72 सालां विच जिहड़ी वोटिंग हुई 67 पॉइंट पहली बारी जदों मतदान होया ही ना 45.67% होया ही ते जो हूँ इस बार आया तो 67.40% होया मतलब 33% लोग जोड़े आ वोट पाने नहीं जाते पर पास होने वाला बड़ा 2019 के 30 करोड़ लोगों ने वोट ही नहीं पाई। इहदा वेखो भी लोगों का लीडर विश्वास जोड़ा टुट गया नहीं रहा। निरकेश जी वेखो अपना 67% वो लोगों ने वोट पाया है भी 33% तो पास होने वास्ते चाहिए होंगे मतलब मतलब 33% तो इन्होंने फेल करता है भी कख नहीं करते। देखो जे इन्होंने कुछ किया हों संसद ने अमृतसर का रीगो ब्रिज इदा ना होता 51 साल पुराना ब्रिज यदि मदयाद खत्म हो गई मरन तो लोग डेना जो ट्रैफिक फसदे लोग फसदे जिदन कोई लीडर आता उदन सारे रस्ते जा फस मैं कहना जी खाली करते जाते हैं। MLA की घर की सड़क रातों रात बना देंगे लागे वादिया जीडिया उन्होंने बंद है कोई नहीं। एक MLA साहब आ उन्होंने एक घर शिफ्ट किया जी कलोनी गए उसे रात रात ही सड़क बन गई तो साड़िया कलोनिया खाली हो गई उन्होंने नाल लगती प्रीतम विहार खाली पी है। रकेश जी चलो कि रेत बजरी ने दो सरकार का जरा ना वो फटी पोचती सी पहले जो अकाली सरकार सी रेत बहुत महंगी हो गई कैप्टन साहब कहते तो रहे पर रेता कोई सस्ती नहीं हुई उन्होंने उत्तों हैलीकॉप्टर तो तुम्हें याद होना एक बार दौरा किया रेता तो कोई रौला क्यों कहते यार चो रेवन्यू तो कुछ नहीं आता पर सरकार की बदनामी बड़ी होंगी पर रेत नहीं रुकी। हुण भगवंत मान उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब जिहड़े उन्होंने कल 16 खड्डा जिहड़ियां उह खोलतीआं ते इह कहता है 5.5 रुपये प्रति क्यूबिक फुट जिहड़ी है वह रेत मिलेगी। हुण रेत मिलेगी या नहीं मिलेगी इह ते आने वाला समा दसूगा। देखो जी मुख्यमंत्री मान ने पराला तो शुरू करता जी तो रेत भी इन्हां दे वेले सब तो महंगी विकी गया जी। इन्हें कहा ही चन्नी सरकार वेले 9.5 रुपये फुट करती ही मिली नहीं सी फुट जी कुछ हाँ चलो 15, 16, 17, 18 ला पी इन वेले जिनी महंगी हुई उन्नी हुई जी। हूँ ऐतवार को लुधियाना फाजिलका जलंधर तरन तारण सहित 16 खड्डा का जोड़ा ना इन्होंने शुरुआत करती जी। इन्हें कहा भी हूँ इतने जी 5.5 रुपये क्यूबिक फुट के हिसाब न रेत मिले करेगी जी। एक तो इन्होंने कहा भी रेत की जी खुदाई है हाथ न होगी रेत का काम होगा
तो मोबाइल ऐप के थ्रू अं पहचाव रेत की साइडा तक पता कर सकते हैं भी कितने कितने रेत हैगी उन्हें एक पंजाब सैंड नाम की एक ऐप शुरू की ये तुहानू जानकारी देगी ती भी तुहाडे लागे कि खड्ड पैंदी आ जी ये थ्रू ती ही गूगल दे नाल जिहड़ी हैगी आ अटैच आ ते इहदे थ्रू ती ही पेमेंट भी कर सकदे जे जी। चलो उपराला चंगा इहनां कहा भी अगले महीने 50 साइटां ही होर भी खोलांगे ते जिहड़ी जिन्नियां खड्डां दी हैगी आ जगह सीसीटी दी निगरानी रहेगी। बड़ा वधिया काम आ सरकार दा, जे रेत सस्ती मिलती आ तो बहुत वधिया होगा। राकेश जी तुहानू याद होना है कि रेता दे हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो बाद च इत्थों तक कहता सी कि भी मेरे जिहड़े लीडर आ उही रेता जिहड़ा जिहड़ा कारोबार च इनवॉल्व आ। जिथों जिथों दरिया लंघदा रहा जी उस इलाके का एम एल ए तो कहिंदे भी अरबापति हो गया रेता बेच बेच के ही। किस तरह रेत इन्हां दे लई सोने, मतलब सोने के समान हो गई सी रेता इन्हां लई लीडरां लई, पर हुण जिहड़े लीडर जिहड़े अधिकारी ये काम करते रहे, जिहड़े गुंडा टैक्स वसूलते रहे, बाहर छतरियां ला के परचियां कटते रहे भी रेत की ट्राली चली है लिया पैसे कि कोई 1000 रुपया कि कोई 1500 रुपया गुंडा टैक्स बंद होगा। साडे इत्थे जनाला ब्लॉक च हुंदा रहा कि दो लीडरां च कालिया जाप दी लड़ाई पै गई। बिल्कुल पै गई सी, रौला भी उदों पिया सी, नहीं तो चुप चपी तो हुंदा रहिंदा तो किसे नूं पता भी नहीं लगना है रेत महंगा की है। तो इस करके ये बड़ी तुहानूं भी याद होना, एक साबका सीएम ने उन्हां दे भांजे साहब कोलों करोड़ों रुपए भी फड़े गए थे तो आरोप लगे सी ये सारा अवैध माइनिंग का पैसा है तो तबादलों का कट्ठा किया पैसा गल तो है। जिन्ना चिर असी राकेश जी कई बार अपने दर्शकों को भी दसना चाहते हैं कह भी चुके हैं भी जिन्ना चिर लोकल लीडर लोकल अफसर की इनवॉल्वमेंट नहीं आ कोई भी अवैध कारोबार नहीं हो सकता। लोग देखो ना कल एक पुतली घर के बंदा वीडियो पिस्तौल नाल अपनी पासे करा रहा गड्डी, किसी ने देखो लोग जागरूक है वीडियो बनाई तो वीडियो पुलिस माननीय पुलिस कमिश्नर को भेजती तो डी जी पी साहब ने भी भेजती तो हूँ काम तो पुलिस ने करना ना तो लोग तो दसना चाहते तुम्हें तो वाकई पर अधिकारी की करते हैं जे लागे कि एस एच ओ नूं दस दिओ तो उन्हें सब तो पहले दो यार उन्हें संभाला वो तेरा फलाना बंदा जिहड़ा ना वो तंग कर रहे तुम्हें दसिया ही एक एम एल ए ने नशे का दसिया ही सबक एम एल ए ने ना दसा ही तो हूँ वेखो पुलिस की पोतली घर चौंक च पुलिस का नाका हों तो पुलिस की करन दी उत्थे केजरीवाल साहब कहते 20,000 करोड़ रुपया हम रेता से कमाएंगे, इहदा मतलब हुण रेता चो कमाई जिहड़ी आ उह भुल जाओ भी सरकार तो खजाना खजूना नहीं आना क्योंकि इहदे नाल बहुत सारे देखो ना लेबर जुड़ी है, मिस्त्री जुड़े है, टैलां वाले जुड़े है, पर यह भी वेखना पऊगा भी उत्थे लोग जिहड़े ट्राली लैके आ रहे हैं अपने घर ही लैके जांदे आ। सरकार नूं वैसे तो यह चाहिए भी उत्थे गड्डियां दा इंतजाम करे, लेबर इन्हां दी होवे, आप ट्राली भर के भेजन, हर दे उत्ते ट्राली दे उत्ते GPS सिस्टम ला देन। जे आप रोकना चाहिए जी ट्रा रेत विकूगी घरेलू काम वास्ते जी वो तो है ना आम बंदा पहले मजदूर लभूगा, मजदूर कोई किन्नी दिहाड़ी मंगता, कई रेत किन्नी पुटनी किसी की पता भी कई 50 सैकड़े हो गई है मतलब 50 फुट हो गई आगे 100 फुट हो गई एक अफिसर लाता उत्थे ओहे काम इहनूं वेखूगा ना अफिसर ते चलो मजदूर भी चलो उत्थे लागो मिल जाणगे उत्थों दे लोकां नूं रोजगार मिलू। पराला मान साहब दी मंशा चंगी है, मंशा चंगी मान साहब दी हर काम च पर लागू होड़े ते इह ना होवे जिद्दां अफसरां दे दबाव च आ गए ते व्हील लैस ते उहनां रैडर लाता भी पहलां मजूरी लो चलो चोरां नूं। अर्गे जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दा मामला 2015 च हुंदा है, देखो लगातार इंसाफ लई आवाज़ उठदी है, पहले बेअदबी कराई किने, गोलीकांड किन्ने कराया, 2000 कैप्टन अमरिंदर सिंह कहिंदे सी मैं करा दूंगा दस दूंगा सिट्टां बांधियां कुछ नहीं हुंदा। हुण इह सरकार भी जदों केजरीवाल साहब आप कहिंदे सीगे भी हमारे कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है 24 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी, हुण कुंवर विजय प्रताप नूं तां विचारे नूं खुले लैण लगता, वो आप उदन उत्थे जांदे आ उहनां दे नाल बहिंदे आ धरने दे ते कहिंदे भी 10 ग्राम पुड़ी वाला बंदा तां को फड़ लैंदे ने ते मैनूं नहीं उम्मीद इत्थे कोई इंसाफ मिले। तो हुण जिहड़ा इन्हां ने इंसाफ मंग रहे लोग हैं भी बेअदबी कांड ते कोट पूरा गोलीकांड उन्होंने पक्के तौर पर धरना लाता, वैसे तो धरना जिहड़ा 2021 का चल रहा है लगातार, पर हुण क्योंकि सरकारां जान लीडर जाते हैं 10 अहीं कोई कहिंदा 1.5 महीने च इंसाफ दवा देंगे, कोई कहिंदा 15 दिनों च दे देंगे, मतलब टाइम समा तो समा लई जांदे आ ते की वाकई कदी सच्चाई सामने आई। लोकां दा लीडरां तो विश्वास ही उठ गया जी, पहला तो अकाली दल ने इंसाफ नहीं दिता 2015 की घटना है जी बेअदबी कांड की गोलीकांड की बैबल कला कोटकपुरा च, फिर वेखो भी कैप्टन साहब आ गए जी गुटका साफ सो के जो खाली जी वह भी कुछ नहीं कर सके, SID बनी एक दूजी तो तीजी बन गई
कोई इंसाफ नहीं आया। मतलब जिदा कहते तरीक तो तरीक तो तरीक पर तरीक उ हाल इतने होंदा रहा। फिर हुण आ गए केजरीवाल साहब ते मान साहब की सरकार आ गई। ये केजरीवाल साहब ने कहा ही भी जेडे है कुंवर साहब इन्होंने सारा पता तो 24 घंटे इंसाफ दे देंगे। 24 घंटे छड के 10 महीने हो गए इंसाफ नहीं आ सकिया। पिछे कलतार सिंह सदवा जी गए उत्थे आंदे जी अगले महीने इत्थे शुकराने का अं मनावे 3 नवंबर तक टाइम मंगया इंसाफ दे देंगे। हुण वेखो ये लोग बेचारे अक गए। हुण 16 दसंबर 2021 तो लैके दिन रात का धरना इन्होंने शुरू किया है जी। तो जदों 15 दसंबर 2022 इन्होंने समागम रखे ही तो आप च सलाह मत करके जेडे उतों के जिन्होंने गोलीकांड वाले परिवार ही जिन्हें लोग मारे गए ही तो नाल पंथक संगठन ने अमृतसर तो बठिंडा हाईवे जाम करता है जी। फिर सरकार ने समझौता इन्होंने लोगों की मुश्किल वेख के एक बंदे का राह खोलता है जी। फिर इन्होंने 19 दसंबर 2022 वेख्या भी धुंध बड़ी तो लोगों को बड़ी परेशानी आ रही एक्सीडेंट होंगे इन्होंने बेचारे ने धरना चुक लिया लोगों वेख के मुश्किल ना आन चंगा काम किया इन्होंने। तो इन्होंने सरकार को 5 फरवरी तक का टाइम देता ही भी सानू इंसाफ दो। सरकार ने कुछ नहीं किया। इन्होंने फिर हुण कल तो धरना N54 हाईवे जिहड़ा बठिंडा तो अमृतसर आता जाम करता। हुण लोगों को जो ट्रैफिक डिवर्ट हो गया 10 किलोमीटर होर जाना पैन दिया। देखो सवाल है भी इंसाफ देना तो सरकारां दा ते अदालतां दा काम है भी सालों साल लग जाते हैं। तुम देखो ना सुप्रीम कोर्ट के ते सेंटर गवर्नमेंट के भी इस वेल खिचतान चल रही है कोलेजियम नूं लैके। सुप्रीम कोर्ट कहिंदे तुहानूं हद्दां नहीं लंघन देणियां। किरण रिजिजू कहिंदे जनता ही मालिक है। किहड़ी जनता मालिक है? जनता तो धक्के खाण रही है भी 4 करोड़ 90 लख केस पेंडिंग है। तुसीं कहिंदे उस जनता की सुध लई भी जे जजां दी घाट है तो किहने पूरी करनी? सरकारां नहीं पूरी करनी है। जज आम बंदे ने तो लाना नहीं। जजां नूं टाइम बाद जजां दे देखो के जी कई बार कोई केस होवे ना तो कहिंदे भी तुहाडी 200 इन्ना नंबर केस का भी यार बंदा पूछे भी कोई जज 200 केस सुन सकता रोज़ का? तो जो 200 केस सुनूगा असी सानू को कहें 200 खबरां कर दे रोज़ दियां असी कर सकते हैं नहीं कर मतलब भी नहीं कर सकते। तो इस करके सरकारां नूं चाहिदा भी कोई ना कोई प्रक्रिया इस तरह का सिस्टम क्रिएट करन भी यह ना हो भी लोगों का विश्वास जिवें फिर श्रीलंका च लोगों ने घरों ना बाहर निकलन दिते सारे भी तुहानू इन्हां नूं बंद कर देना लोगों ने। आखिरकार देखो जागरूकता आएगी अज नहीं आएगी 10 साल नूं आएगी 15 आएगी 20 आएगी 25 आएगी फिर की करोगे तुसीं? बड़ा रिसा आम लोग तो इंसाफ मंगते मंगते मरी जाते कई तो कई नौकरियां जो रिटायर हो जाते हुण वेखो अत्तवादियों वास्ते तो कोर्टा रात नूं खोल देंदे आ के जी हो 3 वजे साबित हो गया पैसे का लेन देन हुंदा केस ते केस दे तरीक ते तरीक ते फिर यह भी गल आ भी जे इन्ने सालां दे विच जे उन्हां ते वाकई साबित हो जांदा भी उन्होंने पैसे ले सी भी जेड़े केसां दी सुनवाई उन्होंने की फैसले दिते तो की गरंटी है भी वो बिल्कुल पाक साफ हो गए? मैं कहना देखो हम एक अमृतसर के जज का भी तो ना आया हाँ भी उस भी वादे हम मंजूरी वास्ते लिखा केस रजिस्टर्ड करने वास्ते मंजूरी पता नहीं कदों की आनी तो जज साहब फिर सुनवाइया कर फैसले देन डे लोगों इंसाफ देना तो सीगा पर लोग कह देंगे जाता उत्थे जाता कहता अज जज साहब छुट्टी ते तरीक अगली अज तरीक तेरा केस किनवा 67वां जज साहब उठ गया के छुट्टी मतलब 5 करोड़ केस हो गए यार लोग कई मुल्कों की 5 करोड़ की वादी नहीं है तो साढ़े इतने लोग इंसाफ वास्ते धक्के खा रहे हैं। 5 करोड़ का मतलब 10 करोड़ लोग फसाते ना तुम एक जिले केस किया एक जिले से किया। हुण वेखो जिहड़े हुण SIT भी सुती जाग गई आ जिहड़ी नवीं SIT बनी एल के यादव की ADGP भी उन्होंने आम लोगों को कहा भी जे तुहानूं कुछ पता तो सानूं दसो उहदे बारे जी साढ़े दसदा रहो जां साढ़े उन्हें एक वट्सअप नंबर जारी करता 9875983237 भी जां इहदे उत्ते सानूं सूचना दिओ जां फिर उन्हें मेल देती है एक newsit2021@gmail.com जां इत्थे सानूं जानकारी दिओ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਦਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੋ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੀ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤਿਰਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪੇ ਮਰੋ ਲੜੋ ਮਰੋ ਤੇ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ MLA ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ SMO ਸਾਹਿਬ ਆ
जिन्हां ने ते एमएलए दे भतीजे साहब दा भी फोन आंदा ते फटाफट आदेश मान के ते ऐ कहिंदे वी एक्शन वी लै लिया उहदे ते ते उहदे ते विरोधियां ने वी काफ़ी सवाल जिहड़े आ फिर चुकने शुरू करते सरकार दे। वैसे ते सारे हुण असरां चाहीदा वी जदों कोई लीडर जां उहदा रिश्तेदार इदां दा काम करे ना तुहानूं सिफारिश करे गलत मैं ड्यूटियां ला कवे जा कोई काम करे तो आर्डर के इदा ही लिख देना चाहिए फिर जनता को पता लगे भी ये कि कहते काम हो रहे हैं। मैं हटके जी गलत ठीक हो एस एम एस साहब ने आदेश तो मान लाए पर चिट्ठी से लिखता लिखता भी फलाने एम एल ए अजे एम एल ए साहब ने कहा मेरा को भतीजा ही नहीं गा जी एम एल ए भुचो मंडी के आम आदमी पार्टी के विधायक है जगीर जगशीर सिंह जी वो बंदे ने इन्हों का भतीसा भतीजा दस गए तो न थाना दे स्थित हस्पताल के एस एम ओ दो कर्मचारियों की ड्यूटी लहरा बेगा चेक कोई खेड मेला या जो जिद होना टूरनामेंट होना ही भी उत्थे क्या ला दो जी उन्होंने लाती उन्होंने लिखता भी लोक इतर एम एल ए साहब के भतीजे के टैलीफोन स्नेह से निमन सुधाकर वालों वो दो बंदे लिखते भी गुरजीत सिंह रमनदीप सिंह इन्हों की ड्यूटी 2 to 5 फरवरी तक लहरा बेगा होने वाले टूरनामेंट लिए लगाई जाती है। अब उन्हें बड़ा वधिया काम किया हूँ एम एल ए साहब का भी जवाब आ गया आते मेरा तो भतीजा ही कोई नहीं है ना मेरा कोई भरा ना मेरा कोई भतीजा आते मैं तो अधिकारियों को कहा भी जो कोई मेरे नाते मेरे रिश्तेदार बन के या पीए बन के फोन करे पहला मेरे को कन्फर्म कराया करो कन्फर्म ताडे को की करो एम एल ए तो मंत्री फोन ही नहीं चुकते करूंगा हम इन्होंने बेटे ने मनिया भी वो जो बंद ने फोन किया मेरा दोस्त आ वह आंदा जिदा मैं हाँ भाबे ने चाचा जी ताया जी कहना इदा वह मेरे भाबे ने चाचा जी ताया जी कहता तो सही काम वास्ते फोन होया ही पर अही अधिकारियों को कहा भी जो कोई फोन आया पहले सानू पुछ लिया करो तो फिर मेरी सारे सेहत विभाग ही सारे विभाग के महकमे के अफसर अपील आ भी जिदा आ एस साहब ने काम किया ना बल्ले बल्ले कराती सरकार नहीं बल्ले बल्ले तो लोगों को पता लगे भी ये काम कि कहते होते गलत ये सब तो पहले ना पुलिस से पुलिस वाले ये अडोप्ट करना पेगा क्योंकि सब तो ज्यादा काम पुलिस को कहे जाते हैं पुलिस रिकॉर्ड कर लैन उन्होंने गल तो नाल दी नाल चिट्ठी जाया कर लें कोई बंदा पढ़ते कहते फलाने एम एल ए साहब ने कहा यह बंदा छड़ दियो उस एम एल ए ने कहा यह कार्रवाई नहीं करनी ये सारा कुछ हो जाए तो इन्हों पता लग जाएगा भी जो बदलाव के नाते ही वोटा लई हैं यही बदलाव कर रहे हैं कि असं भी उस बदलाव च तो पहले वाले कामों च रंगे जा रहे हैं तो हाँ वह क्या मुख्यमंत्री ने भी साडा कोई एम एल ए मंत्री किसी के काम से दखलंदाजी दी मैं भी सरकारी मुलाजम रहा पूरी दखलंदाजी हैगी कोई दखलंदाजी नहीं घटी दस्खत ना कराए थे उन्होंने भी कहा जे मैं कभी अपने रिश्तेदार रेत की खट दे दिया अपने रिश्तेदार शराब का ठेका दे दिया या ट्रांसपोर्ट का कोई लाइसेंस दे दिया तो मैं अपने डेथ सर्टिफिकेट से हस्ताक्षर करूंगा यहोजे मुख्यमंत्री नहीं होंगे बनारी साहब यहोजा मुख्यमंत्री कर्मा नाल ही मिलता अही कर्मा वाले जी हैं पंजाब नूं यहोजा मुख्यमंत्री मिली दा पर थले टीम दे यारां खिडारी भी तो वधिया चाहिए है ना जी एक इन्हां दी टीम तो 92 खिडारी आ एक भ्रष्टाचारी नूं कहिंदे फिर दी ऑडियो वायरल हुंदी आ फिर उहनूं बदलता जाता तो फिर उहनूं उत्थे लाता दुबारा जिवें असीं पहली वारी कहा भी बड़े भ्रष्टाचारी पहले पैसे लैंदे फड़े जांदे आ तो फिर उहनां नूं सस्पेंड पेंडिंग इंक्वायरी के बहाल तो प्राइम पोस्टा दे दी जाए ऐसे कई उदाहरण ने वेखो कट्टर मानदा सरकार को नहीं उम्मीद नहीं हैगी भी उसे भ्रष्ट बंदे दोबारा उस सीट पर ला दें जिदे भ्रष्टाचार के आरोप लगे आ रवि गुप्ता जी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है उत्थे जलंधर लगे ही पिछले साल मई के इन्हां दी एक वीडियो वायरल होंदी आ भी एक बंदे नूं ड्रग लाइसेंस जारी करने लिए मोटी रकम रिश्वत मंगते हैं तो सरकार वालों इंक्वायरी शुरू करती जाती है तो 20 June 2022 नूं इन्हां नूं सस्पेंड करके इन्हां दा हैडक्वार्टर कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब दे खरड़ उन्हां दे ऑफिस हैगा उत्थे बनाता जांदा जी तो हुण इन्हां नूं 3 फरवरी दोबारा इन्हां नूं बहाल करके तो उत्थे लाता जांदा पेंडिंग इंक्वायरी भी विजिलेंस इंक्वायरी जो आऊगी सस्पेंशन पीरियड का फैसला उसके बेस से लिया जाऊगा एक बंदे तो इतने आडियो किसी की माड़ी जी आ जाती है तो तीन उत्तर केस रजिस्टर्ड कर देंगे जे उन्होंने अंदर घल देंगे जे तो यदि तो वीडियो ही आ तो ये वीडियो के रूप से फिर कि लाना लाना कितने होर ला दो ये बड़ी माड़ी गल आ मान सरकार कट्टर मानदा सरकार जी तीन बहुत वधिया काम कर रहे जे जिहड़ा बंदा जिस जिले से फड़िया जाए उस जिले से नहीं लगना चाहिए
खास करके पब्लिक डीलिंग की पोस्ट ना लाओ। हुण रवि गुप्ता जी आ गए इत्थे सिविल सर्विस दफ्तर जॉइन भी कर गए ते उन्हां ने इंस्पेक्शन भी शुरू कर दिया। उन्हां कहा नुकसान बढ़ाया रेट वधा दिया, इन्ना चिर मैं सस्पेंड रहा ते कोई काम नहीं कर सकिया वी हुण रेट वधा दिए। हुण जिहड़ा भी रोप आ जिन्ने चिर तक पाल साफ नहीं हो जाता उन्हूं चंगी पोस्ट ते नहीं लाना चाहिए। खास करके जिले जिन्नी हुण की आ जिन्हें वीडियो बना के वायरल की उत्ते प्रैशर पाऊ, उन्होंने डरा धमका दू, जहाँ पैसे दू, पैसे दे के अपना केस बंद करा लूगा। सरकारां नूं सोचना चाहिए ना जी। देखो जिहड़ा बंदा गल तो फिर उही आ भी बदलाव के नाँ ते भी बदलाव दा हैगा भी बदलाव दिसना चाहिए। यह नहीं भी तुसीं पहले भ्रष्ट बंदे नूं फड़ लो या उन्हूं बदल दिओ तो फिर उन्हूं पेंडिंग इनकुआरी ते बहाल कर दिओ, उन्हूं प्राइम पोस्ट दे दिओ। ये सारियां चीज़ां दा जिहड़ा देखो पूरा जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा उहदा ओवरहालिंग की लोड़ आ ते उहदे वल सरकार ध्यान दिओ। ओके जी, सरकार कहती भी हर जिले असीं मैडिकल 16 मैडिकल कॉलेज खोलने हैं पंजाब दे विच ते कईआं ते काम भी चालू करता, पर जिहड़े सरकारी कॉलेज हैगे ने मैडिकल कॉलेज ते जे असीं अमृतसर डेंटल कॉलेज सरकारी की गल करिए ते कहिंदे भी उत्थे ते रब आसरे काम चलदा, पोस्टां 56 ते डाक्टर सिर्फ 8 जिहड़े पढ़ाउण वाले आ ते बहुत सारे डिपार्टमेंट जिहड़े खाली आ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ CHO ਲਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਸਾਂ ਲਾ ਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਮਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ 250 ਇੱਥੇ BDS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਜੀ, ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਕੋ ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 56 ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ 8। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ 50% ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, 2013 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 70% ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਲ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਹਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਪੈਰੀ ਡੋਂਟੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਟੋ ਡੋਂਟੋਸਿਸ ਅਤੇ ਐਂਡ ਕਰਾਊਨ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਚਰ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਪਡੈਟ੍ਰਿਕ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਓਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਆ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਆਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਕੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਡੈਂਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 20 ਲੱਖ ਜੀ, 25 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਆ ਗਏ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, NQS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਆਵੇ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਬੱਤੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਫਾਟਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਰਿੰਗੋ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ CLU ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੂਟ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਐਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਲ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ
ਤੇ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣੋ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੇ ਆ ਕੋਈ ਕਰਨ ਡੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ 8000 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜੋ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਲ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 268 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ SGPC ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਣ ਡੀ ਨੇ ਹੈਗਾ ਕਲ ਯੁੱਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕੇਸ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ 10 ਮਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕੇਸੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਭਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ